तेनू पंजाबी कैड़ी लगती है? मैनू बहुत चंगी लगती है जी। जब भूख लगती तो खाना खाते हो ना? हाँ। जब जो तेरे गांव वाले बंदे है उन्होंने पंजाबी कहती लगती है? उन्हू को नहीं समझ नहीं आंदा। तो एक सेठ ने बोलिया कि तुसी एक बोकर चक्के लियाओ। पंजाब की जट्टी ने एक गाना गाया सी कि इधर मेरा कणक बाजरा इधर मेरी राई रोटी चक लियाओ। और समय तो सानू कुछ नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजे टीवी। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी हस्तियों को लाते रहते हैं जो आपको भी बेहद पसंद आती है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी एक हस्ती हैं जो है तो राजस्थान के लेकिन पंजाबी के अंदर बहुत कुछ ज्ञान रखती हैं। महान हस्ती आज हम हमारे चैनल पर पेश करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम किस्तूरी है। किस्तूरी है? हाँ। आपको पंजाबी आती है? हम दोस्तों, मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती है लेकिन मैं भी पंजाबी में थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करूँगा, और ये आज हमको इंटरव्यू है जो पंजाबी में ही देंगे। सर, आपका नाम पंजाबी में बताइए और परिचय पंजाबी में दीजिए। नहीं, मेरा नाम पंजाबी में बोला जाता है। हाँ। नाम मेरा किस्तूरी बोला जाता है पंजाबी विच। किस्तूरी बोला जाता है? हाँ जी। आपको पंजाबी है जो कहाँ से आपको सीखी? मैं जी यहाँ जसोल गांव में ही रहता था ज़्यादातर। हाँ। उत्थे वो एक व्यापारी आंदा सी। हाँ। तो उदे नाल थोड़ी थोड़ी मैं गल करता सी, तो थोड़ी थोड़ी करके मतलब मैं सीख गया 75% पंजाबी सीख गया। तेनू 75% पंजाबी सीख गया सी? हाँ जी। तो तेनू पंजाबी कैड़ी लगती है? मैनू बहुत चंगी लगती है जी। तेनू चंगी लगती है? हाँ जी। और हम जानना चाहे तो पंजाबी में, जैसे मैं पंजाबी सीखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैनू की करना चाहिए? और तेनू की ये पंजाबी के नाल बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो अब अगर मेरे सामने पंजाबी बंदा बोलना लगे तो सानू अच्छी पंजाबी आती है, तो अब आप सामने बोलने वाला बंदा नहीं होता है। हाँ। तो मैनू पंजाबी में थोड़ी हिंदी बढ़ जाती है। हाँ। तो हिंदी दी ओ की कहते जी मारवाड़ी बन जाती है। मारवाड़ी बन। हाँ, क्यों सामने बंदा बात नहीं करने वाला बंदा है ना। हाँ। तब वो पंजाबी नहीं आती। आपको नहीं लगता कि यहाँ मारवाड़ में सब बंदे हैं जो मारवाड़ी ज़्यादा बोलते हैं, तो आपको पंजाबी में बोलते हैं तो आपके गांव के लोग हैं वो हंसते नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो कहने सारे तुझी हंसी दी जाओ, मैं बोली जाऊँगा, मैनू की लेना। हाँ। जो तेरे गांव वाले बंदे है उन्होंने पंजाबी कहती लगती है? उन्हों को नहीं समझ नहीं आंदा। समझ नहीं? हाँ। वो तो एक बंदा अपना पंजाब से गया सी। हाँ। तो एक सेठ ने बोलिया कि तुसी एक बोकर चक्के लियाओ। बोकर? हाँ। पंजाबी में झाड़ू नो बोकर कहते हैं। हाँ। तो उन्हें बोला सा एक सारी बंदा और सहींदा है क्या की करना है कि बोकर चक्के लियानी है। तेनू यार पंजाबी यार मैनू बहुत चंगी लगती है। ऐ तेनू मुझे इतनी नहीं आती फिर भी मैं कोशिश करता। पंजाब की जट्टी ने एक गाना गाया सी। हाँ। कि इधर मेरा कणक बाजरा इधर मेरी राई। हाँ। अरे खड़े होके देखो भाई मैं पंजाबन जंटी आई। जट्टी किसे कहते? जाटनी को। हाँ। उसने पंजाबी में गया सर। हाँ, पंजाबी में हमें कोई डायलॉग सुनाई अच्छा पंजाबी में? जीवना मोड़ का गाना सी पहला। हाँ। कि जीवना मोड़ छतरी छाउन चल लिया। वो पंजाबी का गाना बहुत चंगा है। हाँ। तुसी उन्हें सर्च करो तो थानू पंजाबी आने लगी। जेड़े गाना सीखोगे। हाँ। तो थानू पंजाबी आने लगूगी। पंजाबी में हम खाना खाने को क्या कहते हैं? वो खाना खाने तो वही गल होती है तुसी खाना खा लियो। तो एक ही भाषा हुई खाना खा लियो और रोटी चक लियाओ। अचार चक लियाओ और लोटे नू कहते गड़बी चक लियाओ। गड़बी? हाँ। मटकी को क्या कहते हैं? मटकी को कहते घड़ा। घड़ा ही बोलते हैं, तोड़ा बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। हाँ। और कोई फर्क नहीं है इसमें ज़्यादा, लेकिन पंजाबी बोलने आपने कि ये पंजाबी से पोज लेने पड़ेंगे वीडियो में। हाँ। और तुसी देख से जाओगे तो तुसी पंजाबी आने लगोगी। चंगी बात है, चंगी गल है। हाँ। और कोई और सेवा बोलिए। और तुसी ने जो मैं मीडिया बनाया आया उदा अपना की कहंदे ये लूणी नदी दा। हाँ। ये सानू बड़ा पसंद आया सी। ओ जी, तैनू पसंद आया? हाँ, मैनू बड़ा चंगा लगा। ओ मैनू है जो कोई दर्शक है मेरे। हाँ, हाँ, वो मैनू ऐडा कहंदा है तो मैनू भी बहुत चंगा लग गया। हाँ, है कि मेरे दर्शक भी मैनू कोई। उसी में सुनीलाल घासी ने बोलिया सी कि असी नदी में गिर जाता हूँ, टेक लेके गिर जाता हूँ, निकाल देना की बोलिया सी। हाँ, वो ऐसा बोलता है कि मैं भी उसके अंदर है जो अपने ट्रैक्टर को धकेलूंगा। गाड़ी उस नदी के अंदर गिर गई थी। वो बुड्ढा है, वो फिर भी कहता है कि मैं भी इसके अंदर। वो चंगी गल गई। हाँ। चंगी गल गई मतलब अपने राजस्थान बोलते हैं अच्छी बात गई। हाँ। और पंजाबी में कहते हैं चंगी बात गई, चंगी गल गई। हाँ हाँ। वो अपन कहते हैं नमस्कार, वो कहते हैं शास्त्रीकाल जी। शास्त्रीकाल जी मिस्त्री को बोलते। आपको, आप राजस्थानी है। हाँ। आपको पंजाबी ये सीखने में कितने समय लगा?
और समय तो सानू कुछ नहीं लगता है, असी जो प्रकशीट करें तो पूरी पूरी पंजाबी बोल लेते हैं, अब सानू कोई बंदा ही नहीं मिलता है तो असी पंजाबी कैसे भूल ही जाते हैं धीरे धीरे, उम्र भी बढ़ती है और पंजाबी भी बोलने लगते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है भाषाओं को है जो मान्यता देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, पंजाबी भाषा बड़ी चंगी है, बहुत चंगी भाषा है, उधर बड़ा एरिया है, पानी भी है और ट्यूबवेल भी वगैरह है, कणक भी मिलती है, बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ के जवान भी हटे कटे होते हैं जी। हाँ, आपको पंजाब के लोग कैसे लगते हैं? पंजाब के लोग मुझे बहुत चंगे लगते जी, चंगे लगते। हाँ, मैं इन्होंने नाल बात करने में आनंद आता है, वो कोई सरदार जी गड्डी वाला मिलता है ना। हाँ, तो मैं कहता हूँ शास्त्रीकाल जी शास्त्रीकाल, शास्त्रीकाल शास्त्रीकाल, उसे कहते हैं शास्त्रीकाल, मिस्त्री को बोला जाता है और जो सेठ होते हैं ना उसको बोलते हैं लालाजी महाराज, लालाजी महाराज। तेनू तो तू गड्डी वाला कोई तेनू मिलता सी बंदा? हाँ, तो वो तेनू ए नहीं कहता कि ए बंदा तू पंजाब दा है या राजस्थान दी रहंदा है? कहते हैं कि तुसी किथे रहने वाले हैं? मैं कहा सी यहाँ जसोल दे ही रहने हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी भाषा सानू आंदी है। हाँ, अब आप नमस्कार जी, आपने हमें अच्छा इंटरव्यू दिया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही हंसते लाते रहते हैं हम। ब्यूरो रिपोर्ट, SKJ TV।